क्या हुआ दीदी, टीवी क्यों नहीं देख रहे? अंधेरे में वो क्यों कर रहे हो? बिजली बचा रही हूँ, ठीक है? अरे दीदी, दीदी ये क्या कर रहे हो? क्या है? मशीन नहीं लगाना है? नहीं, अब से कोई वॉशिंग मशीन नहीं लगेगी, सब अपने कपड़े हाथ से खुद धोएंगे, समझा? जा। अब गर्मी में लैपटॉप पे क्या कर रहे हो? एसी चालू करो ना। तुझे पता भी है कि बिजली का बिल कितना आया है? कितना? 23,500 रुपए। अरे बाप रे, इतना बड़ा झटका। That's right guys, मुझे लगा लॉकडाउन के बाद पहला झटका मेरा बिजली का बिल देख के मुझे इतना बड़ा शॉक लगा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बिकॉज अडानी ग्रुप ने मुझे मेरा बिल भेजा है ऑलमोस्ट 23,500 रुपए का। उनका मैसेज आया था कि क्योंकि मीटर रीडिंग फिजिकली नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम प्रीवियस मंथ्स के बेसिस पे बाकी महीनों की भी बिलिंग करेंगे। तो मार्च और अप्रैल में मैंने 4,000 रुपए ऑलरेडी भर दिए थे, उसके बाद मई महीने का जो मेरा बिल आया है वो है ऑलमोस्ट 23,500 रुपए, और ये बिल मुझे जल्द से जल्द भरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये अमाउंट नहीं भरती हूँ तो मुंबई में बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाती है। जून का महीना ख़त्म होने आया है, जून में बिजली की खपत अकॉर्डिंग टू अडानी और ज़्यादा होने वाली है, सो आई डोंट नो इस महीने मेरा बिजली का बिल कितना जाने वाला है। वैसे आप लोगों को मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ, शायद आपको पहले से पता हो। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली नहीं जाती है। अगर जाती भी है तो 2-4 मिनट में आ जाती है, तो हमें इस शहर में रहते हुए 24 घंटे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की आदत पड़ चुकी है। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है, और शायद ऐसा है भी, कि मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट जो रेट है वो शायद पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो हमारी बिजली जो हमें दी जा रही है उसके हमें बहुत पैसे भरने पड़ते हैं। आप लोगों के लॉकडाउन के बाद बिल आ गए हैं या आर यू गाइस स्टिल वेटिंग फॉर योर बिल? मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। हो सकता है आप लोगों के बिल भी बहुत ज़्यादा आए हों। मेरे कुछ फ्रेंड्स से मैंने बात करी तो किसी को 30,000 का बिल आया, किसी का 35,000 का बिल था, एंड कुछ लोग लकी थे, उनका 8-9,000 ही बिल आके रह गया। बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप लोगों का लॉकडाउन के बाद कितना बिल आया। इनफैक्ट मैंने अपने डैड से बात की तो दिल्ली में उन्होंने, देयर वाज अ प्रोविजन, बोर्ड ने उनको, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कहा था कि अपने मीटर की रीडिंग की फोटो खींच के हमें भेजो तो हम आपको बिल पर डिस्काउंट देंगे, एंड दैट वेज उनका बिल जो था वो एक्चुअल रीडिंग के हिसाब से हुआ। सो द अमाउंट मस्ट बी स्टैगर्ड, लाइक 2-3 महीने का, अनलाइक मुंबई जहाँ पे कुछ हमें नहीं कहा गया, एंड सडनली हियर वी आर फेसिंग दिस 23,580 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैं बिजली पहले भी बचाती थी, लेकिन अब मुझे लगता है आई शुड बी इवन मोर माइंडफुल ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज बॉस दिस बिल इज रियली रियली यू नो शॉकिंग। और जून के महीने में अगर ये अमाउंट और बढ़ के आया तब तो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू, क्या करूँगी, बिजली का बिल तो भरना ही पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं गाइज, अभी तो गैस हमारे यहाँ जो है वो पाइपलाइन से आती है, उसका बिल आएगा, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो बिल भी बढ़ के आने वाला है। पानी का बिल भी ज़्यादा आएगा, बिकॉज 3 महीने से हम लोग घर में हैं, सो ऑब्वियसली ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यूज़ की हैं। तो अपना बिल देखने के बाद मैं अब ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि हमें घर पर रहना ज़्यादा महंगा पड़ा या बाहर जाना ज़्यादा महंगा होता था। आई टेल यू व्हाई। जब हम बाहर जाते हैं, हम ऑफिसेज में काम करते हैं, तो दिन भर ऑब्वियसली हम वहाँ का एसी, वहाँ की बिजली, सारा वहीं का इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो घर में सारी चीज़ें स्विच्ड ऑफ रहती हैं, राइट? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो बच गए हैं डेफिनेटली। जिनके पास गाड़ी है उन्हें पता है कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, सो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है, इवन गाड़ी नहीं भी है सो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से, अगर टैक्सी से या रिक्शा से, ऑटो से ट्रैवल कर रहे हो मुंबई में, तो वो भी रफली काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है यू नो पूरे महीने भर का। तो अगर हम कैलकुलेट करें, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि घर पे रहना हमें सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा। आप लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो फेज़ है इससे हमने क्या सीखा। चलो गाइज, मन किया कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, इसीलिए ये ब्लॉग बना दिया था। आई लव यू ऑल।